हैदराबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खान ने अपना पर्चा भरा है। आपको बता दें कि एआईएमआई का गढ़ रही हैदराबाद लोकसभा सीट पर पिछले 4 बार के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कांग्रेस ने फिरोज खान को मैदान में उतारा है। आज फिरोज खान ने अपने समर्थकों के साथ हैदराबाद के कलेक्टर ऑफिस जाकर अपना नामांकन भरा। आज हिंदुस्तान में बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कोई अल्टरनेटिव है वो है सिर्फ कांग्रेस। सिर्फ कांग्रेस पार्टी से पॉसिबल है बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हटाने का। रही बात बीजेपी पार्टी, एक जुमला हर वक्त नरेंद्र मोदी बात करते, जुमलों की पार्टी है, सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी का नारा है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसका विकास हुआ? आज मुख्तसर बात करता हूँ, नॉमिनेशन डाल के आया हूँ। 2 करोड़ नौकरी देते बोले, किसको मिली नौकरी? आप ब्लैक मनी लेके आते बोले, आप जीएसटी डिमोनेटाइजेशन करके टैक्स टेररिज्म को मैं ख़त्म करूंगा बोले आप, मगर इन रिटर्न क्या हुआ? जो ब्लैक मनी जिसके पास है, ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय मालिया, चौकसी, आप सबको बाहर भेजा दिए। आप ब्लैक मनी लाके 15 लाख रुपीज़ हर एक इंडिविजुअल के नाम पे बैंक अकाउंट में डालते बोले आप, डाले आप डिमोनेटाइजेशन करें, जीएसटी लाए, उससे क्या हुआ? पूरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, कई फैक्ट्रीज, कई इंडस्ट्रीज बंद हो गए, कई लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की आमदनी का जरिया ख़त्म कर दिया आप। जो पैसे वाला है और पैसे वाला बन रहा, गरीब के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसके बाद में आप बात करते करप्शन की, आप रफेल डील, हवाई जहाज़ों की जो डील करे आप, उसमें आप 40,000 करोड़ खा लिए। कश्मीर के इशू को आप सॉल्व नहीं कर सक रहे, और हर वक्त सबसे बड़े आप झूठे साबित हुए। आप जुमलों पे जुमला, और जितने भी आप वादे करें आपके मैनिफेस्टो में, आप एक भी वादा पूरा नहीं करें। और साथ साथ नफरत, बीजेपी हर टाइम डिवाइड एंड रूल करी अंग्रेजों की तरह। और रही बात यहाँ से, मैं हमारे स्टेट को आ जाऊं, हमारी टीआरएस पार्टी, हमारे केसीआर साहब, नरेंद्र मोदी अगर से पहला झूठा है तो केसीआर साहब सेकंड झूठे हैं। नरेंद्र मोदी साहब इंटरनेशनल फेंकते, और हमारे केसीआर साहब नेशनल लेवल में फेंक रहे। मैं आवाम से पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आवाम से पूछना चाहता हूँ कि केसीआर साहब कौन सा वादा पूरा करे। पहले आप बोले दलित को चीफ मिनिस्टर बनाता हूँ, बनाए। 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देता हूँ बोले, दिए। हर घर को नौकरी देता हूँ बोले, दिए। किसको तो भी नौकरी मिली? आप रोजगार देते बोले, स्किल डेवलपमेंट करता हूँ, लोन प्रोवाइड करता हूँ, गंगा जमुना की तहजीब है, मैं सबको लेके चलता हूँ। किसको नौकरी मिली, किसको लोन मिला? आप वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पार देते बोले, दिए। और रही बात जहाँ से मेरे को टिकट मिला, हैदराबाद, हैदराबाद को आप इस्तांबुल बनाते बोले। और आप जब से मुख्यमंत्री बने, जहाँ तक मेरे को अंदाज़ा है, आप एक टाइम भी ओल्ड सिटी नहीं आए। ओल्ड सिटी की हालत एक खेड़े गांव की तरह है। पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रहा, हिंदुस्तान में डेवलपमेंट हो रहा, तेलंगाना में डेवलपमेंट हो रहा, हैदराबाद में क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा? ये मेरा स्ट्रेट क्वेश्चन है आपको। 100 किलोमीटर पे जिसकी जमीन 2 लाख की थी, आज 2 करोड़ की हो गई, 10 करोड़ की हो गई। 40 साल से MIM के हाथ में है, 40 साल से ओल्ड सिटी की सूरत नहीं बनी। ना एक सीधा स्कूल है,
ना कोई कॉलेज, ना कोई हॉस्पिटल, ना जॉब अपॉर्चुनिटी, ना लोन की फैसिलिटी, ब्लैकलिस्टेड है। कोई आदमी मेहनत करके आगे भी बढ़ना चाह रहा तो कार लोन नहीं मिलता, हाउस लोन नहीं मिलता, क्योंकि ओल्ड सिटी, साउथ जोन, हैदराबाद, और यहाँ के जो भी लीडर्स हैं ओल्ड सिटी के, हैदराबाद के, हैदराबाद की आवाम क्या है साहब, आपको सबको मालूम, गरीब और ईमानदार है। और वहां पे जो रूल कर रहे वो लोग करोड़पति है। हमारे एमपी साहब के नॉमिनेशन में आप देखिए 2014 में 40 लाख है और आज 2018 में करोड़ों रुपए है। पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, मगर जब आप पब्लिक लाइफ में हैं तो आपको बताने की जरूरत है कि कौन से जरिए से आपके पास पैसे आए। और केसीआर साहब बीजेपी की बी टीम है, हर एक मामले में उन्होंने बीजेपी को मदद करते, प्रेसिडेंट का इलेक्शन आओ, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन आओ, नोटबंदी आओ, जीएसटी आओ। केसीआर साहब के चेले कौन है? एमआईएम और एमआईएम के सदर। तो टोटल क्या कर रहे हैं लगा, टोटल दोनों मिलके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपका स्ट्रेट एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे एमपी साहब हर दिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करते, माशाल्लाह से उनको बहुत इलम है, आज बीजेपी कोई तगड़ा कैंडिडेट क्यों नहीं ठहरे उनके ऊपर? तो आज हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने आ जाते थे चुनाव लड़ने, बद्दमवाल रेड्डी साहब आ जाते थे, उमा भारती आ जाते थे, पूरे बीजेपी के दिग्गज आते थे। आज बीजेपी एक डमी है। और आप देखिए जैसा नरेंद्र मोदी को मेजॉरिटी फॉर्म करने के लिए जैसा एमपीज कम होंगे, तेलंगाना से केसीआर और आंध्र प्रदेश से जगनमोहन रेड्डी दोनों मिलके जाके अपने एमपीज देके वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। और रही बात मैं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आपके सामने रखूंगा, कैसे रास्ते लेके आना, फंड्स कैसा लाना और ओल्ड सिटी को डेवलप कैसा करना। बीजेपी के पास कभी भी मैनिफेस्टो रहता, आप एक पॉइंट नोट करिए, एमआईएम के पास कभी मैनिफेस्टो नहीं रहता। आप उनको स्मार्ट बोल लो या आप उनको शाना बोल लो, अरे कोई चीज हम लीकेज नहीं दे रहे हैं। और झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, सबसे बड़ा झूठा नरेंद्र मोदी, नंबर वन पोजीशन, गोल्ड मेडलिस्ट, सेकेंड केसीआर साहब सिल्वर मेडल, उसके बाद में हमारे आवाम को सब मालूम। और मेरी तमाम चैनलों से मेरी आवाम को गुजारिश है कि कुर्बानी का जज्बा लेके मैं कभी सोच लेके आपके बीच में आता हूं, मेहरबानी करके आपके ऐसी शख्सियत को आप वोट डालिए। अगर से आप महसूस करते कि कांग्रेस पार्टी और फिरोज खान करते